में पैसा नहीं था, जिसके कारण से मुरे पापा जी जो है मुरे 2 लाख रुपया में खेत बेचे सर गाँव का। और सर इसी उम्मीद से कि मैं बीएड करूंगा सर, और बीएड करके मैं सर सीटेट एग्जाम सर 2019 के जुलाई में सर सीटेट एग्जाम दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो एग्जाम लेती है, वो एग्जाम सर मैं क्वालिफाई किया। उसका सर मुझे इतना खुशी हुआ कि सर मुझे अब नौकरी होगी, तब नौकरी, अब होगी तब नौकरी होगा। अभी तक सर सरकारी नौकरी मुझे नहीं मिला है सर। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रमोहन है और आप न्यूज़ पीआर देख रहे हैं। बिहार में नौकरी पाना आसान नहीं है, पापड़ बेलना पड़ता है, खेत बेचना पड़ता है, तब जाके नौकरी मिलती है, वो भी कब मिलेगी किसी को पता नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम टीईटी सीटीईटी पास अभ्यर्थी हैं जो सरकार से नियोजन के लिए गुहार लगा रहे हैं। अब इनकी नियोजन कब होगी, सरकार करेगी या नहीं करेगी, ये भी नहीं जानते, इन्हें भी नहीं मालूम। लेकिन जो लोग इस नौकरी को पाने के लिए अपना खेत तक बेच दिए, उनकी अब क्या स्थिति है, उन्हीं से हम जान लेते हैं। क्योंकि खेत बेचकर पढ़ाई करना सबके बूते की बात नहीं है, अगर जो बेच दिया वो फिर आगे क्या करेगा वही बताएगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम सर राजीव कुमार हुआ सर। सर बिहार के सर मधुबनी जिला से सर हम बिलोंग करते हैं सर। परिवार हमको सर 2017 ईस्वी में जो है सो बहुत उद्देश्य के साथ ये बोले हैं कि मेरा बेटा बेटा जो है सो देश का भविष्य बनाएगा, टीचर बनेगा। इसी उम्मीद से सर मुझे घर में पैसा नहीं था, जिसके कारण से मेरे पापा जी जो है मुरे 2 लाख रुपया में खेत बेचे सर गाँव का। और सर इसी उम्मीद से कि मैं बीएड करूंगा सर, और बीएड करके मैं सर सीटेट एग्जाम सर 2019 के जुलाई में सर सीटेट एग्जाम दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो एग्जाम लेती है, वो एग्जाम सर मैं क्वालिफाई किया इतना मेहनत के साथ। इसके बाद सर मैं टीचर अप्लाई किया। उसका सर मुझे इतना खुशी हुआ कि सर मुझे अब नौकरी होगी, तब नौकरी, अब होगी तब नौकरी होगा। लेकिन सर उद्देश्य इसी उद्देश्य के साथ आज उद्देश्य में ही आज सर जीते आ रहे हैं कि आज नौकरी होगा तब नौकरी। अभी तक सर सरकारी नौकरी मुझे नहीं मिला है सर। अब मुझे घर का आदमी समझे तो सर मुझसे तंग हो गया है। इतना कहते हैं कि तुम 2 लाख रुपया में खेत बचवा दिए, अब 2 लाख रुपया का पूर्ति कौन करेगा। इस उद्देश्य के सर एक बार सर मैं बाहर भी चला गया था सर कमाने के लिए, लेकिन सर मैं इसी उद्देश्य के साथ फिर आया, क्योंकि नीतीश कुमार जो जब इलेक्शन आए तो नीतीश कुमार बोले कि जितने भी शिक्षक अप्लाई किए सबको नौकरी मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं बाहर से कमाना सर छोड़ करके सर उद्देश्य नौकरी करने के उद्देश्य मैं फिर बिहार में आया। लेकिन तब के बाद अभी तक मुझे यही पता चलते आ रहा है कि आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन अभी तक सर मुझे नियोजन पत्र नहीं मिला है सर। लेकिन सर मुझे यही पता चल रहा है कि अब यह नीतीश कुमार मुझे लगता नहीं सर नौकरी, इसलिए सर मैं इस गर्दनी बाग के सर स्थान पर सर मैं मर मिटने को तैयार हूँ। लेकिन सर मेरा एक ही उद्देश्य है सर, मुझे नौकरी का नियोजन पत्र ले जाना है। क्योंकि इसीलिए उद्देश्य से मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो 2 लाख रुपया मुझे खेत बेचा है उसका पूर्ति करके मुझे गार्जियन को देना है सर, क्योंकि गार्जियन मुझे जीने नहीं देगा सर। मैं बहुत समय दर्द, इतना दर्द में सर मैं जी रहा हूँ ना, शायद ही मुझे सर मुझे कोई दर्द को कोई फीलिंग करेगा सर, समझे ना। पिता क्या करते सर? मेरे पिता सर किसान है सर, खेती बाड़ी करते हैं सर। आती क्या करें, मेरे गाँव में बाहर आ जाता है बार बार सर, जो भी खेती बाड़ी करते हैं वो भी सर उपज नहीं हो पाता है सर। इसी स्थिति में सर मुझे खेत बेचना, 4 कट्ठा खेत बेचे हैं सर, 50,000 रुपए कट्ठा गांव का खेत होता है चौड़ी चारी का, वो खेत बेचे हैं सर। अब समझिए 4 कट्ठा में सर एकदम खेती करते हैं ना, तो इससे ज्यादा मुझे उपज हो जाता। लेकिन मैं इसी उद्देश्य के साथ मैं कि सर एक टीचर बनूंगा सर, समझे। लेकिन अभी तक मुझे टीचर के सिर्फ सपना ही सपना रह गया सर। लेकिन मैं क्या करूँ सर, इस नीतीश कुमार के सरकार में सर मैं सिर्फ क्या कहूँ सर, मैं तारीख पर तारीख कहूँ या क्या कहूँ, डेट पर डेट कहूँ सर। ये सिर्फ इतना दिन सर मैं फिल्म में देखते आता था कि तारीख पर तारीख मिलता है, लेकिन सर हकीकत में मुझे अब तारीख पर तारीख मिलने लगा है सर। ये आज मैं इस चीज से अवगत हो गया हूँ सर, लेकिन मैं सर क्या करूँ। मेरी बातें बनावटी हो सकती है क्योंकि रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इस अभ्यर्थी के दर्द को आप बनावटी नहीं कह सकते हैं। अगर जो व्यक्ति खेत बेचकर डिग्री हासिल किया हो उसका दर्द वही समझता है, आम लोग नहीं समझ पाएंगे। अब देखना होगा कि ऐसे छात्रों के साथ बिहार सरकार कैसे न्याय करती है और कब तक न्याय करती है। अभी तक के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना नहीं भूलें। धन्यवाद।